दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दिए गए एक बयान पर केजरीवाल सरकार ने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर अरविंद केजरीवाल के पिछले दिनों उठाए गए सवालों को लेकर जब एलजी से पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैंने यह बयान सुना है जो मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले विधानसभा में उठाया था। उन्होंने आगे कहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को अपने डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं, शिक्षा वही जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। एलजी ने कहा, इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये बात भी साबित हो गई है कि कुछ लोग IIT से डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित रह जाते हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की तरफ से जल मंत्री और बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज जवाब देने सामने आए और एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर दिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, एलजी साहब का ये कहना बहुत शर्मनाक है कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीदें हैं। आज दिल्ली के पास IIT से पढ़े हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके काम का क्रेडिट लेने एलजी साहब नाला नाला घूम रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रेस रिलीज जारी करके ऐसा दर्शा रहे हैं कि ये काम उन्होंने कराया है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, यह हमारा और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़प्पन है कि एलजी साहब को हमने पर्यटक समझकर घूमने दिया और चुप रहे। नालों के पानी को साफ करने का काम साल 2017 में शुरू हुआ था। उस समय एलजी साहब को यह भी नहीं पता होगा कि दिल्ली के अंदर कितने विधायक चुने जाते हैं। सौरभ ने आगे कहा, काम दिल्ली सरकार और उनके डिपार्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एलजी साहब जाकर अपना ढोल बजा रहे हैं, जबकि एलजी साहब दिल्ली सरकार के बजट का एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ने उन्हें यह शक्ति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। आप कुछ अच्छा करें तो हम आपकी तारीफ करें, हम कुछ अच्छा करें तो आप हमारी तारीफ करें। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के बारे में एक IITian मुख्यमंत्री ने कुछ विजन तय किया, उसके ऊपर सोचकर यमुना को साफ करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी तकनीकी तैयार किया कि यमुना को अगर साफ करना है तो यमुना में जो नाले गिर रहे हैं पहले उनको साफ करना होगा, जिसमें नजफगढ़ का नाला, शाहदरा का नाला, सप्लीमेंट्री ड्रेन गिर रही है। इन नालों के पानी को साफ करना पड़ेगा ताकि यमुना नदी और प्रदूषित ना हो। इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। सबसे पहले हमने घोगा ड्रोन को ट्रीट किया। तब केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने अन्य राज्यों को दिल्ली से सीखने के लिए एक लेटर जारी कर सिफारिश की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।